कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कश्मीर में खत्म होगी। हालांकि जब से ये यात्रा शुरू हुई है, भाजपा कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। स्मृति ईरानी ने बेंगलोर में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की, लेकिन वो स्वामी विवेकानंद के दर्शन के लिए नहीं गए। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए स्मृति ईरानी के दावों को सरासर गलत पाया। सोचने की बात ये है कि कैसे ये नेता मंच से हजारों लोगों को संबोधित करते हुए बिना हिचकिचाए झूठे दावे करते हैं। ऑल्ट न्यूज आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही दो दावों की सच्चाई बताएगा। भाजपा उत्तर प्रदेश के आईटी सेल के सहसंयोजक शशि कुमार ने ये तस्वीर शेयर की और कहा कि राहुल गांधी के साथ दिखने वाली ये लड़की अमूल्या लियोना है। ध्यान दें कि 2020 में बेंगलोर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान अमूल्या ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस प्रदर्शन रैली में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी आमंत्रित किया गया था। इस घटना के बाद अमूल्या को गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने भी ये तस्वीर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट की थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। भाजपा दिल्ली के आईटी सेल के हेड पुनीत अग्रवाल, भाजपा कार्यकर्ता आशुतोष दुबे और राइट विंग वेबसाइट क्रिएटली ने भी ये तस्वीर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट की। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस तस्वीर में दिख रही लड़की के बारे में पता लगाया तो हमें मालूम हुआ कि भाजपा नेताओं और समर्थकों ने झूठा दावा किया है। ट्विटर पर भारत जोड़ो यात्रा हैशटैग के साथ किए गए ट्वीट्स देखने पर हमें ये ट्वीट मिला। इस यूजर ने तस्वीर में दिख रही लड़की मीवा एंड्रेलियो को बधाई दी है। इस आधार पर हमने इंस्टाग्राम ऐप पर सर्च किया। मीवा एंड्रेलियो ने 21 सितंबर को राहुल गांधी के साथ वाली ये तस्वीर पोस्ट की थी। साथ में उसने भारत जोड़ो यात्रा की और भी तस्वीरें पोस्ट की है। उनकी प्रोफाइल देखने पर ऑल्ट न्यूज को पता चला कि मीवा कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन केरला स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी हुई है। एक और इंस्टाग्राम यूजर ने मीवा और राहुल गांधी का ये वीडियो पोस्ट किया है। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और दावे की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ये कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस नेता के साथ एक बार से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। भाजपा समर्थक प्रभा उपाध्याय ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। भाजपा समर्थक ऋषि बागरी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये नशे में धुत यात्रा है। भाजपा समर्थक और राइट विंग अकाउंट बी फिटिंग फैक्ट्स ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। तो क्या वाकई में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नशे में धुत होकर एक बार से बाहर आते हुए दिखे? इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं से बात की। उन्होंने बताया कि ये वीडियो केरला के कोल्लम जिले के मालाबर रेस्टोरेंट का है, जहां सब लोगों ने खाना खाया था। आगे ऑल्ट न्यूज ने मालाबर रेस्टोरेंट में संपर्क किया। वहां के मैनेजर ने बताया कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। आगे वायरल दावों की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने शराब से संबंधित सवाल पूछा तो मैनेजर ने स्पष्ट बताया कि ये एक बार नहीं है और न ही यहाँ पर शराब मिलती है। उन्होंने हमें उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी भेजा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस के नेता टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने के लिए ये तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए झूठा दावा चलाया।